जनपद नैनीताल के भीमताल ओखलकांडा ब्लॉक में आज भी 73 वर्ष बाद ग्रामीण दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, जो जिंदगी व मौत के बीच अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इन लोगों की परवाह ना तो सरकार को है और ना ही प्रशासन को। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में डोली से बीमारी को ले जाने के वीडियो के बाद अब हम आपको 2 जून की रोटी के लिए खतरा मोल लेते काश्तकारों का वीडियो दिखाएंगे, जिसमें सिर पर सीजनल सब्जियों की पेटियां लेकर नदी पार करती महिला और पुरुष की तस्वीर उनका दर्द खुद ब खुद बयां करती है। पुल नहीं होने के कारण लंबे समय से रास्ते जाने पर खर्चा और खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीण अब पुल की मांग कर रहे हैं। फसल काटने के समय नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और ग्रामीणों को सब्जी के सही दामों के लिए उसे हल्द्वानी मंडी तक पहुंचाने के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। ग्रामीण नदी पर एक पुल की मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। उन्हें नजदीकी बाजार आने के लिए 5 किलोमीटर जंगल मार्ग से गुजरना पड़ता है। उनका कहना है कि इस मार्ग में पुल बनने के बाद खतरा भी कम होगा और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर ही बाजार पहुंचा जा सकेगा। मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं और हम जो भी फसल लगाते हैं वो हमें बरसातों के मौसम में यहां पर पुल नहीं होने की वजह से 5 किलोमीटर दूर वाले रास्ते से खनचों मार्केट में ले जाना पड़ता है, जिससे हमारा आधा खर्च अगर लोग ले जा पाते हैं कंधों में, उससे नहीं तो घोड़ों वालों को देना पड़ता है, वो हमारे धुलाई में लग जाता है। इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। हमें मतलब कई काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने टमाटर मिर्च लगाना ही छोड़ दिया इसकी वजह से कि हमारे क्षेत्र में पुल नहीं है और हमें उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना।